विशाखापट्टनम में 10 साल से वनडे मैच नहीं हारने के बाद अब 11वें साल में भी भारतीय टीम शानदार फॉर्म में उतरेगी मैदान पर। टीम इंडिया में होगा बड़ा बदलाव, तो वहीं पर ऑस्ट्रेलिया की टीम में 2 खिलाड़ी करेंगे वापसी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मुकाबला जो कि विशाखापट्टनम के डॉक्टर YS राजेश्वरी रेड्डी स्टेडियम में खेला जाना है, इस मुकाबले को लेकर टीम इंडिया पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। जहां पर पहले वनडे मुकाबले को जीतने के बाद सीरीज में 1-0 की बढ़त से भी टीम इंडिया आगे चल रही है, तो वहीं पर यह मुकाबला भी अगर भारतीय टीम जीत लेती है तो फिर सीरीज को 2-0 की अजय से बढ़त हासिल कर लेगी और इस सीरीज पर पूरी तरह से अपना कब्जा कर लेगी। तो ऐसे में रोहित शर्मा नई रणनीति के साथ मैदान पर उतरेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार किस प्लेइंग 11 के साथ टीम मैदान पर उतरेगी, साथ ही हम आपको बताएंगे कि यहां पर वो कौन कौन से बड़े रिकॉर्ड है जो इस मुकाबले में टूटने वाले हैं, इसके बारे में भी तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के आखिर तक, और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले, और साथ ही साथ इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दे अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया इस मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करे। तो दोस्तों, हम बात करें इस मुकाबले की, तो सबसे ज़्यादा पॉसिबल रहने वाला है कि इस मुकाबले को टीम इंडिया ही जीते, क्योंकि विशाखापट्टनम के आंकड़े भी अब तक टीम इंडिया के पक्ष में ही रहे। यहाँ पर भारतीय टीम ने पिछले 10 साल से एक भी वनडे मैच नहीं हारा है। इतना ही नहीं, इस मैदान पर विराट कोहली और रोहित शर्मा ने खूब रिकॉर्ड भी तोड़े हैं। तो वहीं पर हम बात करें यहाँ पर इस मुकाबले के लिए उन रिकॉर्डों के बारे में जो अब तक कंगारू के खिलाफ टीम इंडिया ने तोड़े हैं। तो दोस्तों, हम बात करें रोहित शर्मा की, तो हिटमैन रोहित शर्मा अब तक काफ़ी ज़्यादा रन लेने वाले खिलाड़ी बने हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या की कप्तानी में टीम इंडिया ने पहला वनडे मुकाबला खेला था और अब दूसरा वनडे मुकाबला जो कि हिटमैन रोहित शर्मा की कप्तानी में होने वाला है, जहाँ पर रोहित शर्मा दिसंबर 2021 में टीम इंडिया का कप्तान बने थे और तभी से ये कप्तानी करते आ रहे हैं। हम बात करें यहाँ पर मोहम्मद शमी की, तो मोहम्मद शमी जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज़्यादा विकेट लेने के मामले में हरभजन सिंह को भी पीछे छोड़ने वाले हैं, क्योंकि अभी दोनों के कंगारू के नाम पर 32-32 विकेट है। तो ऐसे में आज के मुकाबले में मोहम्मद शमी शानदार फॉर्म में उतरते हैं तो फिर ये इस रिकॉर्ड को भी तोड़ देंगे। हम बात करें यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाले भारतीय टीम के बारे में, तो यहाँ पर भारतीय पिच पर भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 30-30 मैच जीते हैं। यह मैच जीतकर भारत अपनी घरेलू पिच पर कंगारू से आगे निकल सकता है। ओवरऑल हेड टू हेड देखें तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया पिच पर भी ऑस्ट्रेलिया ने हमसे ज़्यादा मुकाबले जीते हैं, तो यहाँ पर इस मुकाबले में भारतीय टीम शानदार फॉर्म में मैदान पर उतरेगी। हम बात करें इस मुकाबले के लिए टॉस के बारे में, तो यहाँ पर टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी चुन सकती है, क्योंकि यहाँ पहले गेंदबाजी करने वाली टीम ने 9 मैच जीते हैं जबकि पहले बैटिंग करने वाली टीम ने मात्र 3 ही मैच जीते हैं। तो ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी। वहीं पर चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं यहाँ पर दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम की हम बात करें तो इस टीम में शामिल रहेंगे टीम के कप्तान स्टीवन स्मिथ, तो इसके अलावा डेविड वार्नर, ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श, मार्सन लेब्यूसन, एलेक्स गेरी, कैमरून ग्रीन, साथ ही यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल, एडम जंपा, मिचेल स्टार्क्स और सिन एबार्ड जो कि टीम में वापसी करते हुए दिखेंगे, यानी कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम में वार्नर और केरी वापसी करने वाले हैं। इसके साथ ही हम भारतीय टीम की हम बात करें तो टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करेंगे हिटमैन रोहित शर्मा के साथ सुमन गिल, तो वहीं पर नंबर 3 पर विराट कोहली उतरेंगे, नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव, नंबर 5 पर KL राहुल उतरेंगे, नंबर 6 पर रविंद्र जडेजा उतरेंगे, नंबर 7 पर हार्दिक पांड्या, तो नंबर 8 पर शार्दुल ठाकुर या फिर वॉशिंगटन सुंदर में से किसी एक को मौका मिलेगा। तो वहीं पर नंबर 9 पर मोहम्मद सिराज उतरेंगे, नंबर 10 पर मोहम्मद शमी और नंबर 11 पर कुलदीप यादव को मौका मिलेगा। यानी कि यहाँ पर देखें तो काफ़ी शानदार खिलाड़ियों के साथ टीम मैदान पर उतरने वाली है। वहीं पर दोस्तों, अब हम बात करें इस मुकाबले के शुरू होने के समय की, तो यह मुकाबला विशाखापट्टनम में दोपहर 1:30 पर शुरू होने वाला है, जिसे आप लाइव देख पाएंगे डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर और साथ ही स्टार स्पोर्ट्स के चैनलों पर भी। तो दोस्तों, क्या लगता है, क्या भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया की टीम को दूसरा वनडे मुकाबला भी हरा पाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।